हेलो एवरीवन आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आज के वीडियो में हम कक्षा दस गणित चैप्टर नंबर जो तीन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली तीन दशमलव तीन को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे प्रश्नावली के हर एक प्रश्न को भी करेंगे और उदाहरण को भी करेंगे उदाहरण ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में चार या फिर छह नंबर में आएगा ही आएगा ठीक है और इस प्रश्नावली में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदाहरण की उदाहरण के बाद बच्चों हमारी प्रश्नावली आ जाएगी ठीक है तो पहले जो ये तीन उदाहरण है इम्पोर्टेंट इनको हम कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों उदाहरण बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये तो इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आया रखा था ठीक है छह नंबर में प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं दो व्यक्तियों के आय का अनुपात नौ अनुपात सात है और उनके खर्चों का अनुपात चार अनुपात तीन है यदि प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में दो हजार रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है कि महीने में वो कितने कमाते हैं तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अनुपात दे रखा है और अनुपात वाले प्रश्न अपने कक्षा छः सात आठ में जरूर किए होंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें मान लेना है मान प्रथम मान प्रथम व्यक्ति की आय माना प्रथम व्यक्ति की आय यहां नौ है ना प्रथम व्यक्ति में नौ लिखा हुआ है तो इसको हम नौ एक्स मान लेंगे ठीक है तथा द्वितीय व्यक्ति की आय द्वितीय व्यक्ति की आय द्वितीय व्यक्ति की आय हम क्या मान लेंगे नौ के बाद में क्या है सात तो इसको हम सात एक्स मान लेंगे ठीक है उसके बाद खर्च क्या है चार अनुपात तीन है फिर हम मानेंगे माना प्रथम व्यक्ति का खर्च ठीक है प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या मान लेंगे एक्स में नहीं मानना है आपकी बार अलग देखो कमाई अलग होती है खर्चे अलग होते हैं तो खर्च हम मान लेंगे ये क्या है चार तो चार वाई मान लेंगे ठीक है पहले वाले का तथा द्वितीय द्वितीय व्यक्ति का खर्च दूसरे वाले व्यक्ति का जो खर्च है वो हम तीन वाई मान लेंगे क्या मान लेंगे तीन वाई अब देखिए क्या हो जाएगा प्रथम यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है प्रश्न में यह बोला गया है कि प्रथम व्यक्ति की बचत व्यक्ति की बचत देखो भैया बचत कितनी है दोनों की नहीं दोनों अलग अलग कमाते हो लेकिन बचत दोनों की सेम है दो हजार रुपये दो हजार रुपये बचाता है ना बचत कैसे होगी जितना कमाता है और उसमें से खर्च घटा दोगे तो बचत आ जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर पहला वाला समीकरण में आंसर के रूप में किया जाएगा कि भैया पहला वाला कमाता तो नौ रुपए है और खर्च खर्च मतलब घटाना कम हो जाना घटा देंगे चार भाई तो बचेगा कितना दो हजार रुपये दो हजार रुपये हमारा बचेगा और यहीं से आप विलोपन विधि भी सीखोगे ठीक है उसके बाद आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे शर्तानुसार। या प्रश्न अनुसार द्वितीय शर्तानुसार दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी है वो हमें लिखना है यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति की बचत व्यक्ति की बचत दूसरे वाले व्यक्ति की बचत भी कितनी है बच्चों दो हजार है तो दूसरे वाले की कमाई कितनी है सात एक्स और खर्च कितना करता है वो तीन वाई दूसरा वाला और उसकी बचत कितनी है दो हजार है देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण हमें मिल गया अब यहाँ से विलोपन विधि हमें आपको सिखानी है ठीक है विलोपन विधि क्या होती है अगर हमें x का या y का मान निकालना है तो किसी एक को विलुप्त करना होता है किसी एक को गायब करना होता है ठीक है तो देखो किसको गायब करना चाहोगे वैसे हमें आय निकालनी हमें एक्स चाहिए ना तो हमें वाई को विलुप्त करना है सपोज करो तो यहाँ वाई का गुणज क्या है विलुप्त तभी होंगे जब गुणज समान होंगे अभी मैं आपको विलोपन विधि सिखा रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि तो आप पहले प्रश्नावली में सीख चुके हैं तो विलोपन विधि में क्या होता है जिसको विलुप्त करना है जैसे वाई को हमें विलुप्त करना है ना तो वाई के गुणज समान होने चाहिए क्या समान है यहाँ पर इधर चार है और यहाँ पर आपका तीन है तो गुणज तो भैया समान नहीं है हमें गुणज को समान करना पड़ेगा जिसको विलुप्त करना होता है सिंपल सा ट्रिक है इसका जो वाई का गुणज है चार इस वाले में गुणा कर दो और इस वाले का जो गुणज है इस वाले में गुणा कर दो और सिंपल यहाँ जस्ट लिख दो समीकरण एक तथा दो से ठीक है ऐसे लिख दो सिंपल कई बच्चे ऐसे भी लिखेंगे समीकरण एक में तीन से तथा समीकरण दो में चार से गुणा करके हल करने पर यह भी बिल्कुल सही है अगर इतना लंबा लग रहा है तो आप इतना भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा समीकरण एक तथा दो अब आपको क्या करना है देखिए ये आपने गुणा करना है ना तीन से गुणा करोगे यहाँ से क्या हो जाएगा नौतिया सताईस एक्स और चारतिया बारह वाई ठीक है और तीन से गुणा करोगे तीन दुनी छ हजार फिर चार से गुणा करोगे सच्चों को अट्ठाईस एक्स और चारतिया बारह भाई और चार दुनिया आठ हजार देखो आप, आपको एक चीज समझाता हूं नोट करके लिख लो जब भी विपरीत चिन्ह होगा देखो विपरीत चिन्ह जब होगा विपरीत चिन्ह में हमें जोड़ना है समान चिन्ह समान का मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो समान चिन्ह में हमें घटाना है कॉपी में नोट करके लिख लेना देखो तो यहाँ पर क्या समान चिन्हिव नेगेटिव नेगेटिव है समान चिन्ह चिन में क्या करना है घटाना है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर और घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह बदलता है चिन्ह क्या होता है भाई बदलता है ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस ये प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस के माइनस के बहुत घटा बारह में से बारह बाई घटाएंगे घट गया सत्ताईस में से अट्ठाइस घटाओगे माइनस के एक्स बचेगा और छह में से आठ हजार घटाओगे माइनस के दो हजार बचेगा एक्स, एक्स, तो एक्स का मान कितना आ दो हजार और हमें एक्स का मान ही चाहिए क्योंकि हमें प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति की आय निकालनी है जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक आय नहीं आता ठीक है इसलिए इसलिए, इसलिए प्रथम व्यक्ति की आय प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है नौ एक्स नौ एक्स का मान है दो हजार यानी कि नौ दुनी अठारह हजार ठीक है उसके बाद आ जाइए द्वितीय व्यक्ति की आय द्वितीय व्यक्ति की आय कितनी है सात एक्स एक्स का मान कितना है दो दुनी? हजार सात तो धुनी चौदह हजार देखो एक अठारह हजार कमाता है एक चौदह हजार कमाता है लेकिन बचत दोनों की सेम है तो ये प्रश्न मैं सिखाता है भी है लाइफ के बारे में कि भैया आपकी कमाई कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता अगर आप पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते हो सही ढंग से खर्च नहीं करते हो सही ढंग से खर्च करने का मतलब है सीमित मात्रा में खर्च करना चाहिए ये नहीं कि पैसा कमा रहे हो अंधाधुँध उड़ा रहे हो कमाने के साथ साथ अगर बचत नहीं कर पा रहे हो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो वेस्ट है क्योंकि फ्यूचर में जो बच्चों हम कमाते किस लिए हैं हम कमाते किस लिए हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ाई के साथ थोड़ा लाइफ के बारे में भी बताता रहूँगा हम कमाते इसलिए कि हम उस पैसे का से हम क्या करें अपने परिवार का रहन सहन अच्छा खाना पीना खा सके कभी घर पे कोई मुसीबत आए किसी की हेल्थ खराब हो तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके ठीक है एक अच्छी लाइफ जी सके अपने बच्चों का अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे कपड़े पहना सके ठीक है अच्छी लाइफ जी पाए यही तो होता है मोटा मोटा तो इसीलिए पैसा कमाता हर इंसान नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है एक्स और वाई के मान निकालने विलोपन विधि को द्वारा विलोपन विधि से इसको हल करना है तो विलोपन विधि से क्या होता है विलुप्त करना होता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने को विलुप्त किया था इस वाले में हम एक्स को विलुप्त करते हैं इसका देखो अब क्या है देखो इसका एक्स का गुण चार है और यहाँ पर दो है तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दोनों में ही गुणा करना मोटा मोटी मतलब क्या है जिसको आपको हटाना है उसके गुण समान होने चाहिए अब ये कर सकते हो कि इधर चार है इस वाले में चार से गुणा कर दो और इधर दो है इस वाले में दो से गुणा कर दो ये कर सकते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ये भी है करना सा... मेरा मेन मकसद क्या है कि x के गुणज समान होने चाहिए x को हटाना है तो यहाँ चार है अगर मैं दो को दो से गुणा करूँ तो चार बन जाएगा सिर्फ इसी से गुणा करने पर बात बन जाएगी तो ये जो मैं समस्या हमें यह वाला फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें एक से ही हल हो जाएगा ठीक है यहाँ चार है इसके गुण समान करने के लिए मुझे सिर्फ इस वाले में दो से गुणा करना है इस वाले में करने की जरूरत नहीं है बस गुणित समान करना है जो भी काम करना है इधर भी कर रहा हूँ और इधर भी कर रहा हूँ तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आप कहोगे सर कि सर इसमें गुणा कर रहे हो इसमें क्यों नहीं कर रहे हो ये तो फिर समीकरण इधर उधर हो जाएगा नहीं जो मैं गुणा कर रहा हूँ वो इस तरफ भी कर रहा हूँ और इस तरफ भी कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली देखा जाए तो जो चीज़ आप इधर कर रहे हो जो चीज़ इधर कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई ना दो इधर से गुणा कर दो इधर से दो से दो तो कट गया संख्या पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं समीकरण तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं तो दोनों तरीके हैं बच्चों मैंने आपको दोनों तरीका समझा दिया हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि ठीक है यहाँ चार है चार बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना होगा बस दो से गुणा कर देना होगा करो दो से गुणा दो धुनी चार एक्स तीन छ वाई और आठ दूनी सोलह ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा फोर एक्स प्लस छ वाई ओहो। कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि हटा रहे हैं तो ये छह एक्स भी हट जा रहा है छ वाई भी हट जा रहा है और ये सात है कुछ तो गड़बड़ है ना क्योंकि दो से गुणा कर दो दूनी चार दो छ अब घट चिन्ह भी सामान है घटाएंगे तो दोनों हट जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है एक बार देख लेते हैं किताब से ठीक है एनसीआरटी बुक से चेक कर लेते हैं फटाफट है ना प्रश्नावली विलम्पन विधि हाँ देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है ठीक गड़बड़ है यहाँ ना 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 क्वेश्चन बिल्कुल सही है आप एनसीआरटी में देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना क्वेश्चन तो हमारा सही है तो ये हल नहीं हो सकता ठीक है इस प्रश्न का कोई हल नहीं है क्यों कि जैसे आप यहाँ देखोगे चिन्ह समान होने पर क्या करते हैं घटाते हैं अब इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है तो हम घटाएंगे ना घटाने पर ठीक है घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये भी कट जाएगा और ये भी कटेगा और सोलह प्लस का हो गया माइनस सोलह में सात घटाएंगे इधर बचेगा नो, no. लेकिन इधर तो एक्स ना तो एक्स बचा ना ही वही बचा इसका मान नौ है दोनों तो कट गए तो इसका हल संभव नहीं है यहाँ क्या लिखोगे हल संभव नहीं है क्या लिखोगे हल संभव नहीं है ऐसे प्रश्न का ठीक है अगला जो ये प्रश्न है भाई साहब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस साल इस टाइप के क्वेश्चन आए ही आए थे और हर बार आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन चार नंबर में छह नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का जो योगफल है वो छियासठ है यदि संख्याओं का अंतर दो हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ये जो क्वेश्चन है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक और छह नंबर में आएगा बड़े नंबर में आएगा दो अंकों की संख्या है भाई तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है इसे हम इकाई बोल देते हैं इसे हम दहाई बोल देते हैं मान लेते हैं कि भाई इकाई का अंक एक्स है और दहाई का अंक वाई है तो यहाँ लिख देंगे माना माना इकाई का अंक इकाई का अंक क्या है एक्स तथा तथा दहाई का अंक ये हमने क्या मान लिया दहाई के अंक को हमने क्या मान लिया वाई मान लिया ठीक है उसके बाद देखिए तो वास्तविक संख्या का रूप क्या हो जाएगा वास्तविक रूप वास्तविक रूप क्या होगा तो देखो ढाई ढाई पे दस होता है ढाई पे क्या है वाई है तो ये वास्तविक रूप हो जाएगा टेन वाई और यहाँ इकाई के स्थान पर एक्स है इकाई बोलो तो एक एक एक्स ये वास्तविक रूप होता है अगर इसको मैं पलट दूँ पलटने पर क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा और ये इधर यानी कि पलटने पे क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा ठीक है अब आ जाओ प्रश्न के प्रथम शब्दानुसार प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है दोस्त प्रथम शर्त में यह बोला गया है ना कि जो संख्या है और उलटने पर बनी जो संख्या है उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो छियासठ आता है यानी कि इसको और इसको अगर हम हम जोड़ देते हैं टेन वाई प्लस एक्स और टेन एक्स प्लस वाई को अगर हम जोड़ देते हैं ना तो कितना आता है वो आता है छियासठ तो देखिए दस वाई और एक वाई ये हो जाएगा ग्यारह वाई और दस एक्स और क्या होगा निष्ठ है इधर की बट्टी में जाएगा ग्यारह छियासठ यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर नंबर एक पहले से पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया अब थोड़ा बहुत जो बच्चों को ना डाउट होता है यहाँ पर वास्तविक रूप में कि भैया ये कैसे आया आपने कैसे लिख दिया तो बच्चों मैं इसका एग्जाम्पल दे समझाता हूँ अगर सपोज करो एक संख्या मेरे पास है छब्बीस तो ये वाई ये 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 के स्थान पर है और ये एक्स के स्थान पर यहाँ रख के देखो लेकिन इस रूप को संतुष्ट करेगा तो दस वाई के जगह पर दो रखा और एक्स के जगह पर छः दस दूनी बीस प्लस छ आ गया छब्बीस ये दो अंकों वाला संख्या है ना तो दो अंकों वाले संख्या का जो वास्तविक रूप होता है या प्रसारित रूप होता है वो ये होता है हर एक संख्या इसको जस्टिफाई करती है ठीक है यहां से आता है तो ये थोड़ा रफ काम है इसको मैंने बिठा देता हैं ओके तो पहले शर्त से हमें पहला समीकरण तो मिल चुका है अब आ जाओ द्वितीय द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय अनुसार द्वितीय शर्त में यह बोला गया है कि इस संख्या के अंकों का अंतर अंतर मतलब घटाना संख्या के अंकों का अंतर कितना है देखो अंतर x में से y भी घट सकता है y में से x भी घट सकता है क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्स माइनस वाई बराबर भी दो हो सकता है या फिर वाई माइनस एक्स बराबर भी दो हो सकता है और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छः नंबर में आता है इसको समीकरण दो बोल दो और इसको समीकरण तीन बोल दो तो आपको दो बार हल करना पड़ेगा एक बार एक को दो को लेकर एक बार एक को और तीन को लेकर तो यहां लिख दूंगा मैं केस वन। केस वन। और केस और क्या होगा समीकरण समीकरण एक तथा दो से ये हमारा केस वन है हल करो समीकरण एक क्या है एक्स प्लस वाई बराबर दो सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर छ ठीक है एक्स प्लस वाई बराबर छ और यहाँ है बच्चों एक्स माइनस वाई बराबर दो गुण दोनों के समान है दिक्कत ही नहीं है अब यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर ठीक है जोड़ने पर जोड़ने पर प्लस का वाई और माइनस का भी घटा एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे टू एक्स और छ और दो कितने हो जाएंगे आठ यहाँ दो गुणे इधर के भट्टे में आ जाएगा दो चुके आठ तो x का मान क्या हो गया भाई x का मान हो गया चार x का मान कितना हो गया चार हो गया x का मान किसी भी कि समीकरण में रख दो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है छः है तो x का मान आया है चार प्लस वाई ठीक है प्लस का चार इधर के माइनस का हो जाएगा वाई का मान आ गया तो वाई का मान क्या आ गया दो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी संख्या हमारे पास थी टेन वाई प्लस एक्स वास्तविक रूप ठीक है वाई का मान है दो और एक्स का मान है एक्स का मान है चार तो दस दुनी बीस प्लस चार, तो वो संख्या हो जाएगी चौबीस पहली संख्या कितनी होगी चौबीस पहले केस से तो हमें यह आंसर मिला अब हमें आना है दूसरे वाले केस में अब यहाँ लिखेंगे केस टू केस टू में क्या हो जाएगा समीकरण एक को और तीन को लेना है समीकरण एक तथा तीन से ठीक है समीकरण एक तथा तीन से समीकरण एक क्या है कि x प्लस वाई बराबर छह है और अगला क्या है हमारा तीन माइनस के एक्स प्लस वाई बराबर दो तो है ठीक है जोड़ देते हैं जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है आने पे ही चिन्ह बदलता है तो ने भी प्लस के एक्स माइनस के एक्स कटा वाई और वाई कितना हो जाएगा टू वाई और छः और दो कितना हो जाएगा आठ दो चुके आठ तो वाई का मान कितना हो गया वाई का मान हो गया चार दो तो लिख रहा हूँ वाई का मान हो गया चार ठीक चूंकि एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास छः है वाई का मान चार आ गया तो प्लस का चार इधर आके माइनस का चार हो जाएगा एक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा दो मिल जाएगा इसलिए संख्या क्या होगी आपने एक्स और वाई माना था वाई आपको मिला है चार और एक्स मिला है आपको दो ठीक है तो वो संख्या होगी या तो ऐसी दो संख्या हो सकती है या चौबीस या फिर बयालीस ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया तीन उदाहरण मैंने आपको बताया तीनों बोर्ड एग्जाम में दूसरा तो नहीं पहला और तीसरा पूछा ही जाता है बार बार छः नंबर में वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आशा करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया पहले वाले उदाहरण से हमने विलोपन विधि सीख ली है उसके बाद हमने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया है अभी जो कि उदाहरण के रूप में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी बात मानो बच्चों ये उदाहरण करके ही जाना ये एग्जाम में आएगा ही आएगा हंड्रेड गारंटी है

मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है विलोपन विधि आपका पर्सनल फेवरेट क्या है प्लीज कमेंट में हमें मुझे जरूर बताना पहली विधि हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कोई भी एक समीकरण लेना होता है और वहां से एक्स या फिर वाई का मान निकालना होता है फिर अगले वाले में रखना होता है ठीक तो जो समीकरण आसान दिख रहे उसको लो तो ज़्यादा बेहतर होता है तो किसी को भी ले सकते हैं आसान कौन सी दिख रही है पहले वाली तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से एक को एक बार लिख लो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर पांच तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ x का मान निकाल देता हूँ प्लस के वाई इधर के क्या हो जाएगा माइनस के वाई बराबर के उस तरफ जाने पे चिन्ह बदल जाता है इसको मैंने समीकरण तीन मान लिया मैंने एक से निकाला है तो मुझे दो में रखना पड़ेगा ठीक तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से सॉरी समीकरण तीन से एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर एक से निकाला है तो दो में रखना पड़ेगा तो क्या है? एक बार लिख लो समीकरण नंबर दो हमारे पास है टू एक्स माइनस के तीन वाई बराबर चार ओके अब हम क्या करेंगे मान रखेंगे टू एक्स का मान क्या है ये पाँच माइनस के वाई दो तो और एक्स में गुणे का संबंध है कर दोगे दो से अंदर दो पंजे दस दो गुणा वाई दो वाई और यहाँ पर माइनस के तीन वाई पहले से है ठीक आगे हल करेंगे इधर आ जाएगा दस दो वाई और तीन वाई कितना होगा पाँच वाई माइनस के और इस तरफ कितना है चार संख्या को एक तरफ लिखोगे प्लस का चार इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के चार और माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा सॉरी माइनस के पांचवे वाई उधर आके क्या हो जाएगा दस के पांचवे दस में से चार घटाओगे छह बचेगा ये पांच गुड़े में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा तो ये हमें वाई का मान मिल गया ये हमें वाई का मान मिला वाई का मान उठाकर यहाँ रख दोगे एक्स का मान आ जाएगा क्योंकि एक्स बराबर क्या है पांच माइनस के वाई ये है ना वाई का मान मालूम है क्या है छ के बट्टे में पांच इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लिया नौ सौ पक आ जाएगा एक अंकुड़े पांच पाँच पापे पच्चीस एक चंग तो छीस में से छह घटाओगे उन्नीस आ जाएगा एक्स का मान आएगा उन्नीस बट्टे में पांच ठीक है एक्स का मान कितना आ जाएगा उन्नीस बट्टे में तो ये x का मान है ये y का मान है और ये प्रतिस्थापन विधि से निकाला अब हम विलोपन विधि से भी अगर निकालेंगे ना तो आंसर यही आएगा अभी मैं आपकी आंखों के सामने करके दिखाता हूँ अगला जो विधि हम करने जा रहे हैं वो है विलोपन विधि विलोपन विलोपन में क्या होता है विलुप्त करना होता है आपको पता ही है जिसको हटाना है उसके गुणज को विलुप्त करो अगर x को हटाना है तो x के गुणज को विलुप्त करो देखो इसका गुलज दो है और इसका गुलज एक है तो टेक्निक क्या है एक्स का जो गुणज है इसमें कर दो, दो है इसमें कर दो और इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है इसकी गुणा गुण इसमें कर दो ठीक है तो सिंपल यहां लिख देंगे समीकरण समीकरण एक तथा दो से देखो पहले वाले में हमें दो से गुणा करना है दोनों तरफ करना है ये नहीं कि इधर किया इधर नहीं किया दोनों तरफ करना है दोनों पक्षों में करना है तो ये हो जाएगा दो एक्स प्लस के दो वाई और दो पंज दस इस वाले में एक से करना है किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करते तो वही रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर से वही आ जाएगा टू एक्स माइनस के तीन वाई और यह है चार अभी मैंने आपको बताया था कि समान चिन्ह होने पर घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर समान चिन्ह है प्लस का प्लस का तो क्या करेंगे हम घटाएंगे घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदलते हैं प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस दो एक्स में से दो एक्स घट गया दो वाई और प्लस का तीन वाई प्लस के पांच वाई और दस में से चार घटा देंगे तो आ जाएगा छह ये गुड़े में इस तरह का क्या हो जाएगा भट्टी में ठीक तो वाई का मान क्या आ गया छः बट्टे पाँच। पंद्रह नहीं है वो छः बट्टे कितना आ जाएगा पाँच आ जाएगा अब हमें क्या करना है वाई के मान को किसी भी एक समीकरण में इसमें या फिर इसमें रख देना है ठीक है तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से क्या है समीकरण एक एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बराबर पाँच है हम तो क्या करेंगे मान रख देंगे बाई का मान कितना है छह बट्टे पांच यहाँ की जगह पर ठीक। का मान है। बटे पांच।, के क्या हो पांच इसके गुणा इसके साथ पच्चीस एक चंग घटाओगे उन्नीस ठीक तो का मान क्या हो जाएगा उन्नीस बट्टे पांच और वाई का मान क्या आ जाएगा छः बट्टे पाँच देखो आपकी आंखों के सामने ये इधर प्रतिस्थापन है इधर हमारा विलोपन है हमने प्रतिस्थापन से भी किया और हमने विलोपन से भी किया दोनों ही स्थिति में आंसर सेम आ गया अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका फेवरेट विधि कौन सा है मैंने तो अपना स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैं जानना चाहता हूँ आपका फेवरेट कौन सा है वैसे तो विधि सारी ही आसान है लेकिन कुछ ना कुछ तो फेवरेट होता ही है मेरा फेवरेट तो विलोपन है अब आपका फेवरेट बताइए सेकेंड वाले नंबर पे आ जाते हैं ठीक है ये पहला समीकरण है ये हमारा दूसरा समीकरण है ठीक देखिए प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि सेल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापित करना होता है है कि नहीं सो so, अगर हम ध्यान से देखें पहला दूसरा वाला समीकरण हमारे लिए आसान है तो यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण दो से क्या समीकरण दो 2x एक्स के 2y वाई बराबर दो यहाँ से देखो दो वाइनिस्ट भी है तो एक कम दो तो एक कम दो दो बाहर आ गया ना यहाँ पे दो गुड़े में इधर आके बट्टे में आ जाते हैं एक्स माइनस वाई में दागे बट्टी में दो से दो कटा दो तो एक कम दो एक्स माइनस वाई बराबर एक तो ये माइनस के वाई उधर के क्या हो जाएगा प्लस का वाई एक्स बराबर मुझे मिल गया वन प्लस वाई समीकरण नंबर तीन बोल देते हैं इसको ठीक एक्स का मान उठाकर हमने दो से निकाला तो हमें एक में रखना पड़ेगा ठीक है समीकरण एक में रखना पड़ेगा एक क्या है हमारे पास थ्री एक्स प्लस के फोर वाई बराबर क्या है हमारे पास दस है अब इसे मान को उठा कर यहां रख दो तीन, एक्स का मान क्या है वन प्लस फिर इधर क्या है प्लस के चार वाई इधर कितना है दस तीन से अंदर गुणा करना है तीन एक कम तीन

एक्स बराबर क्या है वन प्लस वाई वाई का मान एक, एक और कितना एक हो जाएगा तो? तो हमें देखो बच्चों मान दो मिला और वाई का मान एक मिला इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से अब हम हल करेंगे विलोपन विधि से विलोपन विधि विलोपन विधि में विलुप्त करना होता कर है। किसको विलुप्त करें, बताओ एक्स को विलुप्त कर दें। ये तीन है इस वाले में तीन से गुणा होगी यहाँ पे दो है इस वाले में दो से गुणा होगी ठीक है तो लिख देंगे समीकरण एक तथा दो से सिंपल लैंग्वेज में समीकरण एक तथा दो से ठीक देखिये इस वाले में दो से गुणा करना है दोनों तरफ आ तो जाएगा दो तीन एक्स चार दुनी आठ वाई दस धुनी बीस देखो किसी भी समीकरण को ना ऊपर नीचे आप रख सकते हो ये नहीं कि ये पहला है तो इसको पहला ही रखना है ऊपर नीचे नहीं रख सकते ऐसा कुछ नहीं है इसको आप नीचे भी रख सकते हो इसको ऊपर भी रख सकते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर सेम आता है इस वाले में तीन से गुणा करना है तीन दुनी छीन दुनी छः वाई माइनस का और तीन दुनी छः अभी मैंने आपको बताया था समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं समान चिन्ह होने पे घटा दे प्लस प्लस यानी कि हमें घटाना है घटाने पर चिन्ह बदलता है प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस छ प्लस का छह ना ये माइनस का हो गया तो प्लस के छह में से माइनस का हटा आठ और छह कितना हो गया चौदह और बीस में से छह घटाएंगे तो बचेगा चौदह ठीक अब यहां पर क्या देखो भाई 14 y बराबर 14 है तो एक गुणे में 14 इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 14 14 एक कम 14 तो y का मान कितना आ गया एक यहाँ पे भी वो इस विधि में भी y का मान कितना आया था एक आया था तो विधि कोई सी भी लगाओ आंसर सेम आती है आ जाओ अगले वाले y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो ठीक है मैं यहाँ � स के चार वाई बराबर क्या है दस तो देखिए वाई का मान है संख्या को एक तरफ देखते हैं प्लस का चार उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस के चार जाएगा तीन गुड़े में इधर आगे क्या हो जाएगा बट्टे में तीन दुनी इसका मान कितना आ गया तो। देखो विधि हमने कोई सी भी लगाई हमें आंसर तो सेम ही मिला ठीक है इट ड मैटर विधि कौन सी लगा रहे हो आंसर फिक्स है सेम ही आना है अगले उदाहरण पे आ जाते हैं वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट है इसमें क्या होगा पहले समीकरण को ढंग से लिख लो क्योंकि यहाँ लिखेंगे दिया है समीकरण को ढंग से नहीं लिखा गया है तो उसको पहले ढंग से लिखेंगे तीन एक्स माइनस के पांच वाई माइनस के चार इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के चार ये है समीकरण नंबर एक और अगला क्या है नौ एक्स प्लस का दो वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के दो वाई इधर आके क्या होगा माइनस के दो वाई क्योंकि एक्स और वाई को एक तरफ रखना है संख्या को दूसरी तरफ रखना है तभी हल कर सकते हो और उस तरफ क्या बचा ये है सही रूप अब इसको हमें हल करना है ठीक तो शानदार क्वेश्चन है सबसे पहला विधि लगाते हैं प्रतिस्थापन देखिए प्रतिस्थापन में क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं तो मैंने लिख दिया समीकरण एक से समीकरण एक थोड़ा आसान दिख रहे हैं दो को भी ले सकते हो समीकरण एक पहले लिख लो थ्री एक्स माइनस के पांच वाई बराबर चार बार बार मैं एक्स का मान निकालता हूँ आपकी बार में वाई का मान निकाल देता हूँ आपकी खुशी के लिए आपकी खुशी के लिए कुछ भी प्लस का चार इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का चार और माइनस के पांच वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के पांच वाई देखो पांच इधर गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा भट्टे में आ जाएगा तो ये हमें वाई का मान मिल गया हमने एक से निकाला है तो हमें रखना पड़ेगा दो में तो यहां लिखेंगे वाई का मान समीकरण दो में रखने पर ठीक समीकरण दो में रखने पर रखो समीकरण दो क्या है पहले बार लिख लेते नो एक्स माइनस के दो वाई बराबर सात ठीक अब हम मान रखेंगे तो देखिए नौ एक्स माइनस के दो वाई का माना है तीन एक्स माइनस के चार बट्टे में पाँच ठीक है और इस तरफ कितना है हमारा इस तरफ हमारा है नौ एक्स माइनस के दो इस तरफ हमारा कितना है सात अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक सकता हूँ और लॉशअ को क्या जाएगा एक गुणे पाँच पाँच आ जाएगा इस तरफ तो सात है अब देखो इसकी गुणा इसके साथ होती है नौ पंजे पैंतालीस ठीक पैंतालीस के एक्स और इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे वही रहता है कि दो से अंदर गुणा कर देंगे ये हो जाएगा दो ती एक्स और तो नेगटिव, नेगटिव, दो चौके आठ ठीक पैंतालीस में से 6 घटाएंगे ये आ जाएगा उनतालीस एक्स प्लस के आठ बट्टे में पाँच ठीक है इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक ले एक लिख सकता हूँ गुणा करेंगे इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है और पांच सद पैंतीस सही कर रहे हैं हम कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेते हैं रिचेक कर ले रहे हैं x एक्स दो वाई का है तीन एक्सन पैतालीस एक्स दो एक्स। चार तो है। है। अब देखिए प्लस के आठ इधर के क्या हो जाएगा माइनस के आठ और पैंतीस में से आठ घटाओगे कितना बचेगा सत्ताईस ठीक है कितना हो जाएगा? सत्ताईस बजेगा और ये उनतालीस गुड़े में इधर गया हो जाएगा बट्टे में तीन से घटेगा तीन एक कम तीन तीन तीनों तीन नौ सत्ताईस तो एक्स का मान आ जाएगा नौ बट्टे तेरह एक्स का मान कितना आ जाएगा नौ बट्टे तेरह एक्स का मान उठाकर समीकरण नंबर तीन में रख दोगे ठीक चूंकि वाई बराबर है तीन एक्स माइनस के चार भट्टे में पाँच रखो मान तो यहाँ से आ जाएगा तीन एक्स के जगह पर है नौ बट्टे तेरह माइनस के चार पूरे के बट्टे में है पाँच हल करो आ, नौ तेरह सत्ताईस बट्टे में तेरह माइनस के चार बट्टे में पाँच इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तेरह एक कम तेरह इसकी गुणा इसके साथ सत्ताईस और तेरह चुके बावन ठीक है अब देखो आगे हल करेंगे तो सत्ताईस में से बावन घटाओगे कितना आ जाएगा हाँ देखिए बावन में से सत्ताईस घटा देते हैं ना बारह में सात घटाएंगे तो बचेगा पाँच ठीक और तो पच्चीस बचेगा नेगेटिव का बट्टे में कितना है तेरह बट्टे में है पाँच इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक लिख दिया ठीक आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है इसकी गुणा इसके साथ 25 गुणा एक है। पाँच क्यों लिख दिया माइनस पच्चीस गुणा एक तेरह गुणा पाँच है पाँच बजे पच्चीस तो वाई का मान आ जाएगा माइनस के पाँच बट्टे में तेरा ठीक तो x का माना है नौ बट्टे तेरह वाई का माना है माइनस के पांच बट्टे तेरह ठीक है देखो बच्चों में आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग तो नहीं सिखा सकता ना ये तो बेसिक चीजें हैं जो कक्षा छोटी कक्षाओं में नहीं आ, आपने सीख रखा है अगर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो पहले वो सीखो वो चीज यहाँ नहीं सिखाई जाएगी कक्षा दस में वो चीज तो आपको आता है ये हम मान के चलते हैं अभी तो आप कक्षा दस में आए हो नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता देना फिर अलग से वो भी मुझे आपको सिखानी पड़ेगी लेकिन नहीं आनी चाहिए अगर नहीं आता है ना आपको तो भाई बहुत ही महनत की बात है अब आते हैं अगली विधि हमारी विलोपन विधि तो विलोपन विधि से भी हल करेंगे ना तो आंसर यही आएगा ठीक आंसर यही आएगा विलोपन विधि में विलुप्त करते हैं किसको विलुप्त करें देखो यहां पर x को विलुप्त करते हैं नौ है अगर एक्स को नौ बनाना है तो इस वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा तीन से गुणा करना पड़ेगा समीकरण एक तो यहां में तो यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण एक तथा दो से ठीक है समान बनाने के लिए इधर नौ है तीन में हम तीन से गुणा करेंगे तो नौ बन जाएगा ठीक तीन से गुणा करो दोनों तरफ तीन तिया नौ तीन पंद्रह और चारिया पर ये तो वैसे का वैसे ये नौ एक्स माइनस के दो वाई और इधर कितना है सात ठीक प्लस का प्लस का समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं कटाते हैं घटाने पर घटाने पर चिन्ह बदलता प्लस का माइनस माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस ये कटा पंद्रह में से दो घटाएंगे माइनस के तेरह वाई और बारह में सात घटाएंगे पाँच गुड़ा में इधर के क्या हो जाएगा भट्टे में तो वाई का मान आ गया माइनस के पांच भट्टे तेरह माइनस के पांच भट्टे तेरह फट से आ गया देखो भाई यहाँ कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी या हमें फट से मिल गया वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो समीकरण एक में या फिर दो में आपको आपका उत्तर मिल जाएगा समीकरण एक क्या है तीन एक्स माइनस के पांच वाई बराबर है चार हमें एक्स का मान निकालना है तो मैं क्या कर दू तीन एक्स ये जो माइनस के पांच वाई उधर रखे क्या हो जाएगा प्लस के पांच वाई वाई का मान है माइनस के पांच बट्टे तेरा ठीक है ये मान रख दिया प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस पाप बजे पच्चीस बट्टे में है तेरह इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया तेरा एक कम तेरा तेरा चुपके बावन कम पच्चीस यहाँ से आ जाएगा सत्ताईस में तेरह और इधर कितना है तीन एक्स ठीक है तीन इधर गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा तीन नम सत्ताईस एक्स का मान आ जाएगा नौ बट्टे में तेरह एक्स का मान कितना आ जाएगा नौ बट्टे में तेरह देख सकते हैं इस विधि में और दोनों विधि में आंसर समान है कहीं पे भी डाउट हो एक बार प्रश्न को दोबारा देखें अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं वेरी, वेरी है एक तो ये समीकरण ढंग से पहले दिया नहीं है समीकरण को पहले हमें ढंग से बनाना पड़ेगा ओके तो समीकरण को ढंग से बनाने के लिए हमारे पास क्या है और ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो भी छह नंबर में एक्स बट्टे में दो प्लस दो वाई बट्टे में तीन बराबर इधर माइनस के वन ठीक लॉस लॉशोपाल लेंगे तीन धुनी छ और आपको पता है इसकी गुना इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ होती है तीन गुणा एक्स तीन एक्स और दो धुनी चार वाई इधर है माइनस का एक इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया गुणा करेंगे इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुना इसके साथ किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं वही आ जाते हैं। और छ कम माइनस के छ ये है हमारा समीकरण नंबर एक जो कि हमने ढंग से लिखा है विस्तृत करने के बाद अब आ जाते हैं दूसरे पे पुनः हमारे पास क्या है x माइनस वाई के बट्टे में तीन और यहाँ पर है तीन देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया सभा क्या आ जाएगा तीन एक कम तीन इसकी गुणा इसके साथ तीन गुणा एक्स तीन एक्स और वाई एक कम वाई और इधर है तीन इसके बट्टे में कुछ नहीं दो एक अब आप जानते हैं तिरछी गुणा करनी पड़ेगी इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है तीन एक्स माइनस वाई और यहाँ आ जाएगा तीन तिया नौ ठीक तो ये क्वेश्चन विलोपन विधि से फट से हो जाएगा देखो यहाँ पर एक्सुण के कितना के है तीन है और यहाँ पर भी एक्स के गुणज तीन है बेवकूफ की तरह वाई को मत हटाने लग जाना विलोपन विधि से क्योंकि एक्स फट से हट जाएगा क्योंकि एक्स के गुणज बने बनाए समान आ गए हैं तो हमारा काम आसान हो गया ठीक है तो यहाँ लिखेंगे हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से ठीक है पहले हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से okay. क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक क्या वो लिख लेते हैं किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं तो चलो मैं दूसरे वाले को पहले रख देता हूँ हल करके दिखाता हूँ थ्री एक्स माइनस वाई बराबर नहीं इसको मैंने पहले रख दिया किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते इससे फर्क नहीं पड़ता जानबूझ कैसा किया है पहले वाले को दूसरे रक में रख देता हूँ थ्री एक्स प्लस का फोर वाई और यहाँ है माइनस का छः कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी समान चिन्ह पे क्या करते हैं घटाते हैं प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है समान चिन्ह है घटाने पर घटाने पर चिन्ह बदलता है प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस तो ये प्लस का तीन में से माइनस का तीन एक्स कैंसिल क्या बचेगा माइनस के चार माइनस के वही माइनस के पांच वही और छह और ये नौ कितना हो जाएगा पंद्रह वही का मान निकालना है पंद्रह माइनस के पांच है इधर आके बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे गुड़े में है ना इधर बट्टे में आ जाएगा पांच थी पंद्रह तो वही का मान आ गया माइनस के तीन वाई का मान बच्चों कितना आ गया माइनस के तीन अब इस वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो आंसर आ जाएगा देखिए समीकरण नंबर दो में रख देते हैं क्योंकि तीन एक्स माइनस के वाई बराबर नौ है तीन एक्स वाई का मान है माइनस का तीन ठीक तो माइनस माइनस क्या होते प्लस प्लस का तीन इधर के क्या हो जाएगा माइनस का तीन नॉर्म से तीन घटाओगे आ जाएगा तीन एक्स बराबर छ तीन गुड़े में इधर के क्या हो जाएगा में तीन दुनी का मान कितना आ गया दो आ गया बताइए कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी एक्स का मान दो आ गया और वाई का मान हमारा माइनस का तीन आ गया कौन सी विधि से ये हमने लगाई विधि विलोपन अब हम अगर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो भी आंसर यही आएगा तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे तो जो आसान दिखे वो हमें लेना होता है समीकरण नंबर दो हमें आसान दिख रहे हैं तो उसको हम ले लेंगे तो यहाँ लेंगे समीकरण दो से ठीक है समीकरण दो को एक बार लिख लो तीन एक्स माइनस के वाई बराबर नौ तो यहां से वाई का मान निकालना ज्यादा आसान पड़ रहा है प्लस का नौ इधर के माइनस का नौ हो जाएगा माइनस के वाई प्लस का वाई हो जाएगा समीकरण नंबर तीन ठीक वाई के मान को उठाकर समीकरण नंबर एक में रखेंगे क्योंकि हमने दो से निकाला है तो हमें रखना एक में बढ़ेगा तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान वाई का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है ये एक में रखने पर एक को एक बार लिख लेते तीन एक्स प्लस के चार वाई माइनस के छह अब हम मान को रखेंगे ठीक तो तीन देखो वाई का मान रखना है वाई का मान है तीन एक्स माइनस के नौ ठीक चार से गुना कर दोगे चार तिया बारह चार नम छत्तीस बारह और तीन कितना हो जाएगा पंद्रह माइनस का छत्तीस इधर आके प्लस का छत्तीस हो जाएगा छत्तीस में से छह घटाओगे तीस आ जाएगा ये पंद्रह गुड़े में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में पंद्रह दुनी तीस तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दो देखो उस वाले मेथड में भी दो ही आया था अब भी हमारा दो आ रहा है अब हम क्या करेंगे एक्स का मान उठाकर यहाँ रख देंगे तीसरे वाले में चूंकि वाई बराबर है तीन एक्स माइनस के नौ और एक्स का मान कितना है दो है तीन दुनिया छः में से नौ घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस के तीन तो वाई का मान आ जाएगा माइनस के तीन ठीक है तो ये हमें एक्स मिल गया ये हमें वाई मिल गया उस वाले मेथड में भी यही आंसर आया था इस वाले में भी यही आया बातें ये वेरी वेरी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर टू है ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको पांच पार्ट मिलेंगे और इन पांच पार्टों में से पांचों के पांचों पार्ट बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं कभी ना कभी आए ही हैं और एक बार नहीं दो बार चार बार पांच बार पिछले छह सात सालों में और ये आपको तो पता ही ये बोर्ड एग्जाम के कई सारे पार्ट्स बनते हैं कई सारे कोड बनते हैं तो आपके जिले में कौन सा पेपर आ जाए कह नहीं सकते हैं और हर ज़िले में मान के चलिए एक क्वेश्चन आने फंसने ही वाला है यहाँ से तो आपके जिले में कौन सा आ जाएगा ये कह नहीं सकते लेकिन इतना श्योर हूँ मैं कि ये जो पांच पार्ट अभी करने वाले हो यहाँ से एक पार्ट आएगा ही आएगा, आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में और ये सारे पार्ट आएंगे अगर सारे पार्ट सारे पेपर्स की मैं बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे हर पार्ट में एक एक दिया जाता है यहाँ से टोटल सात पेपर बनते हैं यूपी बोर्ड में बाकी बोर्ड में तो बनते ही हैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो भी मैं बोलता हूँ ना इम्पोर्टेंट ये किसी स्पेसिफिक एक बोर्ड के लिए नहीं है सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है यूपी बिहार राजस्थान एम उत्तराखंड राजस्थान है ना छत्तीसगढ़ झारखंड हरियाणा सबके लिए पहला क्वेश्चन भेजा पहरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए ठीक है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो इन सभी प्रश्नों का अस्तित्व है ठीक है अस्तित्व कब होगा जब a1 बट्टा ए टू बराबर नहीं होगा के, तो अस्तित्व होता है तभी आप यूनिक हल अद्वितीय हल निकाल सकते हो ये जो बोल रहे है ना अस्तित्व ये क्या बोल रहे है a1 बट्टा ए टू नहीं होगा बीबन बट्टा बी टू के ये तुम हर समीकरण जब बनेगा ना चेक करके देखो ये चीज जरूर होगी ही होगी और ये जो प्रश्न है सभी का अस्तित्व है और बोर्ड एग्जाम में जब आएगा ना तो ये नहीं बोलेगा कि अस्तित्व निकल चेक करो अस्तित्व होगा तभी आ रहा है ऐसे प्रश्न तो पहले प्रश्न में आ जाएंगे कह रहे यदि हम अंश में एक जोड़ दें हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दें तो ये एक बट्टे दो हो जाती है वह भिन्न क्या है भिन्न क्या है वो आपको बतानी है ठीक है तो मान लेते हैं माना माना वह भिन्न क्या है मेरा एक्स बट्टे भाई है मैंने मान लिया कि वो भिन्न क्या है एक्स बट्टे भाई है आपको पता है ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं हर कहते हैं ठीक है जी अब आ जाइए प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया कि भैया जो भी आपके पास भिन्न है आपके पास भिन्न है ना अंश में एक जोड़ दो हर में भी एक हर में से घटा दो नीचे वाले में से घटा दो तो वो भिन्न आपके एक में बदल जाती है ये भिन्न एक के बराबर हो जाती है अब एक के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूं और आप जानते हैं तिरछी गुणा कर दे इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ x प्लस एक एकम एक्स प्लस एक और y माइनस एक एकम वाई माइनस एक एक्स और y को एक तरफ लिखना होता है प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के y और ये प्लस का वन इधर के माइनस का वन हो गया माइनस के y माइनस एक माइनस एक माइनस के दो हो जाएगा ठीक कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देखना यहां तक हो गया अब आ जाइए द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त में क्या बोला है द्वितीय शर्त में हमें बोला गया है कि जो भी आपका भिन्न है उसके सिर्फ हर में एक जोड़ा गया है अंश में कुछ नहीं किया गया हर मतलब नीचे वाले में एक जोड़ा गया है तो वो एक बट्टे दो में बदल जाती है तिर से गुणा करोगे आप दो गुणा एक्स दो एक्स और किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो है एक। एक है। तो। इसको इसको हल कर लेना है अच्छा इस प्रश्न में यह बोला गया था ना अस्तित्व है कि नहीं ए वन बट्टा ए टू निकालो ए वन क्या है एक्स का गुण कुछ नहीं होता तो एक होता है ए टू क्या दो निकालो b1 बट्टा बी टू बी वन क्या है वाई का गुणज माइनस के और वाई टू का गुणज क्या है माइनस के माइनस से माइनस कि भैया ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है क्योंकि ए वन बट्टा ए टू बराबर नहीं है b1 बट्टा बी टू के मैंने बोला था ये आएगा आ गया अतः अस्तित्व है अतः अस्तित्व है अब आपको हल करना है इसको और इसको हल कर देना जितने भी प्रश्न तुम निकालोगे ना अस्तित्व आएगा ही आएगा बाकी के चार पार्ट में भी ठीक तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक तथा दो से विलोपन विधि से हल कर रहे हैं आपने नोटिस किया कि भैया y का जो गुणज है सेम बना बनाया है इसका भी एक है और इसका भी एक है तो किसी को किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है पहला वाला क्या है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के दो और दूसरा वाला है घटाने पर चिन्ह बदलता है प्लस का माइनस माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस प्लस का वाई माइनस का वाई कट गया एक्स में से दो एक्स घटाएंगे माइनस के एक्स बचेगा माइनस का दो माइनस का तीन दोनों से माइनस से कटा क्या आ गया बच्चों का मान के वाई बराबर है माइनस के दो माइनस के दो इधर प्लस का दो हो तो जाएगा और माइनस के वाई उधर के प्लस का वाई एक्स का मान रख दो कितना है तीन तो वाई का मान क्या जाएगा वाई का मान आ जाएगा तीन और दो पाँच अतः भिन्न भिन्न क्या है एक्स बट्टे वाई एक्स का मान हमारा तीन है और वाई का मान हमारा पाँच तो हमें हमारा जो भिन्न मिलेगा वो मिलेगा तीन बट्टे पाँच ठीक है जी ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया क्या बोल रहे हम हमसे कि पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए ऐसा प्रश्न आपने पहले भी किया हुआ है ठीक आयु पर आधारित प्रश्न है तो हम मान लेते हैं माना नूरी की आयु नूरी की वर्तमान आयु कितनी है एक्स वर्ष था सोनू सोनू की आयु सोनू की आयु सोनू की वर्तमान आयु लिख देना कितनी है वायु वर्ष फिर आ जाइए प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया दोस्त पांच वर्ष पूर्व पूर्व मतलब पहले अभी मेरी उम्र अगर मैं बोलूँ बीस साल है तो पाँच साल पहले कितनी हुई होगी कितनी रही होगी पंद्रह में से पाँच घटा दिया तो पंद्रह आ गया है ना तो अभी इनकी उम्र एक्स है तो पाँच साल पहले क्या होगी पाँच घटा देंगे नूरी की आयु कितनी होगी नूरी की आयु पाँच वर्ष पूर्व कितनी रही होगी एक्स में से पाँच हटा देंगे सोनू की आयु पांच वर्ष पूर्व कितनी रही होगी अभी वाई है तो वाई में से पांच हटा देंगे अतः पांच वर्ष पूर्व कितनी है सोनू की आयु की तीन गुनी है ठीक है तो देखो क्या करना है भाई बड़ा कौन है बड़ा है एक्स माइनस फाइव और छोटा कौन है वाई माइनस फाइव तो मैंने पहले भी बताया है कि जो छोटा होता है उसमें उतना गुना कर देना होता है तीन गुना बोले तो छोटे वाले में तीन से गुणा कर देंगे और बीच में आ जाएगा बराबर क्योंकि सोनू छोटी है तीन ही बचे हो जाएगा पंद्रह एक्स माइनस वाई देखिए एक्स वाई एक, को एक तरफ रखना होता है ना प्लस का तीन वाई रखे क्या हो जाएगा माइनस के तीन वाई और माइनस के पांच इधर के क्या हो जाएगा प्लस के पांच एक्स माइनस के तीन भाई पंद्रह में पांच जोड़ोगे माइनस के दस बचेगा तो ये पहले शर्त से हमें पहला समीकरण आराम से मिल गया ठीक अब हम आएंगे द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि दस वर्ष पश्चात मतलब बाद में अभी मेरी उम्र बीस साल है दस साल, है, दस साल है, बाद कितनी होगी दस जोड़ दोगे दो तीस हो जाएगी है ना तो वही लिखेंगे दस वर्ष पश्चात पहले कौन है नूरी नूरी की आयु नूरी की आयु अभी x है दस वर्ष बाद कितनी होगी दस जुड़ दस जुड़ जाएगी दस वर्ष पश्चात दस वर्ष पश्चात सोनू की आयु अभी वाई है दस वर्ष बाद कितनी होगी दस जोड़ देंगे दस हमने जोड़ दिया ठीक है तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा नूरी बड़ी है x प्लस टेन और सोनू छोटी है तो दस वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी दो गुनी हो जाएगी तो छोटे वाले में दो से गुणा कर देते हैं और बीच में फिर बराबर लग जाता है ठीक x प्लस टेन दो से जब गुणा कर देंगे दो वाई दो x और वाई को एक तरफ लिखेंगे प्लस का दो वाई इधर आगे माइनस का दो वाई और प्लस का दस इधर आगे माइनस का दस तो एक्स माइनस के दो वाई यहाँ पे आ जाएगा दस समीकरण नंबर दूसरा ये हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है इनको हल करना है समीकरण एक को और दो को हल करना है अच्छा ये दो से गुणा कर रहा हूँ समझ पा रहे हो ना ये कैसे हो रहा है देखो अगर मैं बोलूँ एक तरफ एक है एक तरफ दो है तो ये जो दो है तो एक से दो गुना है अगर छोटे वाले में मैं दो से गुणा कर दूँ तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा कि नहीं वही काम करते हैं जो जितना गुना हो है ना उतने गुने से छोटे वाले में गुना कर दो तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं वही चीज यहां पर यहां पर कर रहे हैं और ये चीज मैंने पहले ही सिखा रखी है पहले के प्रश्नावली में भी हमने ऐसे प्रश्न ऑलरेडी कर रखे हैं ठीक है इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए अब समीकरण एक दो को तो हल कर लो विलोपन विधि से समीकरण एक तथा दो से देखो आप ध्यान से देखोगे तो एक्स के गुणज पहले से ही समान है इसका भी एक है और इसका भी एक है ठीक तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं हमें पहला समीकरण है? एक्स माइनस के तीन वाई इसके बराबर है माइनस के दस और यहाँ पर है एक्स माइनस के दो वाई इसके बराबर दस के बराबर प्लस का है प्लस का है समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं घटाते हैं घटाने पर घटाने पर चिन्ह है प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस प्लस माइनस कटा तीन में से दो वाई घटाएंगे माइनस के वाई बचेगा माइनस के दस माइनस के दस देखो ये भी माइनस का हो गया ना माइनस के दस और ये माइनस दस कितना हो गया बीस दोनों तो तरफ माइनस है कट गया तो वाई का मान कितना हो गया बीस ठीक तो वाई आपने किसको माना था सोनू सोनू का आयु कितनी होगी बीस वर्ष होगी अब वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो चूंकि x माइनस के दो वाई बराबर है दस इस वाले में रख दो वाई का मान है बीस तो माइनस मैं... के चालीस हो जाएगा बीस दूरी चालीस और माइनस के चालीस इतना आगे हो जाएगा प्लस के चालीस तो एक्स का मान कितना हो जाएगा पचास वर्ष तो जो नूरी की आयु होगी वो कितनी होगी पचास वर्ष और सोनू की आयु हो कितनी होगी दस बीस वर्ष लास्ट में लिख दोगे आधा नूरी की आयु पचास वर्ष तथा सोनू की आयु बीस वर्ष जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण पे ऐसा प्रश्न हमने किया था उदाहरण वाला थोड़ा टफ था ये तो और आसान है बल्कि क्या है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है इस संख्या का नौ गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है वो संख्या आपको ज्ञात करनी है दो अंकों की संख्या है तो एक इकाई का होगा दाई का होगा इकाई के अंक को एक्स और दाई के अंक को वाई मान लो तो मान लेते हैं इकाई, का अंक। इकाई का अंक कितना है? एक्स तथा दाई का अंक हमने क्या मान लिया वाई इसलिए वास्तविक रूप क्या होगा संख्या का संख्या का वास्तविक रूप हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स अगर हम इसको पलट दें यह वाला इधर आ जाएगा और यह वाला इधर तो पलटने पर संख्या क्या होगी पलटने पर पलटने पर संख्या हो जाएगी टेन एक्स एक्स के जगह पे वाई वाई के जगह पे एक्स ये हो जाएगा ठीक है चूंकि प्रश्न में क्या बोला है चूंकि संख्याओं का योगफल संख्याओं का योग प्रश्न में क्या बोल रखा है कि संख्याओं का योग नौ है यानी कि इसको और अगर इसको हम जोड़ देते हैं एक्स को और वाई को अगर हम जोड़ देते हैं कितना आता है नौ आता है ठीक है जी नौ आता है उसके बाद क्या बोला गया है प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें ये बोला गया है कि इस संख्या का नौ गुना इस संख्या का नौ गुना ये जो संख्या है ना इसका नौ गुना इसके बराबर है पलटने से बनी संख्या का दो गुना के बराबर है ठीक नौ अंदर गुना कर देंगे नौ दही नब्बे वही, नौ एक्स यहां पे हो जाएगा बीस एक्स दो से गुणा कर देंगे और दो वही। दस तो बीस ठीक अब एक्स को एक तरफ लिखोगे वाई को एक तरफ प्लस का दो वाई इधर के माइनस के दो वाई और प्लस के नौ एक्स इधर के माइनस के नौ एक्स यहाँ बचेगा अट्ठासी वाई और यहाँ बचेगा ग्यारह एक्स ग्यारह गुणे का इधर के बट्टे में आ गया ग्यारह अट्ठे अट्ठासी एक्स का मान क्या आ गया आठ वाई एक्स का मान उठाओ और यहां पर रखो और हल कर दो आंसर आ जाएगा ठीक तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर इसका मान समीकरण एक में रखने पर एक यहां लिख दो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है नौ है एक्स का मान कितना है आठ वाई आठ वाई और एक वाई कितना होगा नौ वाई नौ गुड़े में इधर के बट्टी में आ जाएगा नौ एक कम नौ तो वाई का मान कितना आ गया एक चूंकि अब एक्स का मान निकालना है एक्स बराबर कितना है आठ वाई वाई का मान एक है आठ एक कम आठ अर्थात संख्या संख्या आपके पास क्या थी इकाई का अंक एक्स और दहाई का अंक वाई था तो इकाई के जगह पे क्या आ गया एक्स का मान कितना आया था एक्स का मान आया था आठ और वाई का मान आया था एक तो वो संख्या बच्चों कितनी होगी वो संख्या हो जाएगी हमारी अट्ठारह ठीक है जी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या बोला जा रहा है शानदार क्वेश्चन है कह रहे मीना दो हजार रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई उसने खंचाजी खंचाजी मतलब जो कैशियर होते हैं पचास रुपये और सौ रुपए के नोट देने के लिए कहा मीना ने कुल पच्चीस नोट प्राप्त किए की। ज्ञात कीजिए उसने पचास रुपये और सौ रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए बैंक के बैंकर के पास गई और उसने उसको बोला कि भैया मुझे पचास के और सौ के नोट देना उसको टोटल तो नोट मिले पच्चीस मिले तो हमें यह बताना है कि उसको दो हजार रुपये जो मिले हैं पचास रुपए के कितने नोट मिले हैं और पच्चीस रुपए के सौ रुपए के कितने नोट मिले हैं वो हमें बताना है तो मान लेते हैं माना पचास रुपए के नोट एक्स है सौ रुपये ये जो नोट है वो वाई है ठीक है पचास देखो दो प्रकार के नोट है ना एक, एक हमारे सौ रुपए वाला है और एक हमारा पचास रुपए वाला पचास रुपए के नोट हमने एक्स बोले और सौ रुपए के नोट हमने वाई बोले अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चों दो रुपए के तुम्हारे पास तीन सिक्के हैं तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं तुम बोलोगे सर छह और मैंने बोला दो के तीन सिक्के है भी हैं और पांच रुपए के दो सिक्के हैं तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? बोलो कमेंट में तुम बोलोगे भैया सोलह रुपए हैं हमारे पास पांच रुपए के दो यानी कि पांच दुनिया दस रुपए और दो रुपए के तीन यानी कि दोतियां छह सोलह रुपए हमारे पास बोलोगे ना तो वही सिस्टम यहाँ है पहले तो यहाँ आ जाओ प्रथम अनुसार प्रथम शर्त में यह बोला गया कुल नोट कुल नोट कितने हैं हमारे पास पच्चीस है पचास रुपये के एक्स नोट और सौ रुपए के वाई नोट एक्स और वाई को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर है पच्चीस के बराबर है वो पच्चीस के बराबर है अब आ जाओ द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त में क्या है द्वितीय शर्त में यह है कि टोटल जो राशि ली गई है वो ली गई है दो हजार रुपए ठीक है कुल राशि कुल राशि कितनी है दो हजार रुपए यानी कि पचास रुपए के कितने नोट है एक्स नोट है तो रुपए कितने हो गए पचास एक्स जैसे दो रुपए के तीन सिक्के थे तो क्या थे दो गुणा तीन था तो पचास रुपए के एक्स है तो क्या हो जाएगा पचास एक्स रुपए में पचास एक्स कुल मतलब प्लस सौ रुपए के नोट कुल राशि कितनी है? दो हजार यहां से वो आ जाएगा पचास घुड़े में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में जीरो से जीरो कटा के बीच जीरो प्लस के दो वाई बराबर आ जाएगा चालीस समीकरण नंबर दूसरा ठीक है इसको और इसको समीकरण एक को और दो को विलोपन विधि से हल कर लो आंसर आ जाएगा समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक क्या है एक्स प्लस टू वाई बराबर चालीस किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो से फर्क नहीं पड़ता एक्स के गुणज समान है काम हमारे लिए आसान है हटा देंगे समान चिन्ह होने पे क्या करते हटाते है? हैं हटाने में चिन्ह बदल जाता है ये प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस में से माइनस का एक्स घटा दो में से एक वाई घटाओगे एक वाई बचेगा चालीस में से पच्चीस घटाओगे पंद्रह बचेगा यानी कि सौ रुपये के कितने नोट हो जाएंगे पंद्रह नोट चूंकि x प्लस वाई हमारे पास क्या है चीज़ है, हमें y का मान मिला है पंद्रह x का मान क्या हो जाएगा अब। प्लस की के पंद्रह इधर आके माइनस के पंद्रह पच्चीस में से पंद्रह घटाओगे एक्स का मान आ जाएगा दस ठीक है तो पचास रुपये के जो नोट होंगे वो होंगे दस 10 और सौ रुपये के नोट होंगे पंद्रह ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया यानी किराए पर किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी ने प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया रखा है कि प्रथम तीन दिन का फिक्स है उतना तो देना ही पड़ेगा उसके बाद जितना अलग लोग उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है सरिता ने सात दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए सत्ताईस रुपया ने एक पुस्तक पांच दिनों तक रखने के लिए इक्कीस रुपया दिए नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है ठीक है देखो माना माना तीन दिन का नियत किराया कितना है एक सौ रुपये तीन दिन का नियत किराया हमने क्या मान लिया एक सौ रुपये तथा तो प्रतिदिन मतलब हर एक दिन का प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया हर एक दिन के अतिरिक्त किराया कितना है अतिरिक्त किराया ये हमने मान लिया वाई रुपए ठीक है ये हमने मान लिया वाई रुपए फिर आ जाइए प्रथम शर्तानुसार ठीक है हम आ जाएंगे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया कि किसने सरिता ने सात दिन रखने के लिए सत्ताईस रुपए दिए यहां मैं लिख देता हूं सात दिन का किराया ना सात दिन का किराया सत्ताईस रुपए सात दिन में मतलब तीन प्लस चार तीन दिन का तो फिक्स है तीन दिन का एक्स और चार दिन चार अतिरिक्त एक दिन का वाई तो चार दिन का कितना हुआ चार वाई तो तीन प्लस चार तीन दिन का हो जाएगा एक्स तीन दिन का कितना हो जाएगा तीन दिन का हो जाएगा एक्स चार अतिरिक्त दिन का हो जाएगा चार भाई ठीक पहले शर्त से हमें यह समीकरण मिला अनुसार ठीक द्वितीय शर्त में कितना दिन का किराया भाई इक्कीस रुपए देने पड़ते हैं पांच दिन के लिए पांच दिन का किराया पाँच दिन का किराया कितना है इक्कीस रुपये ठीक तो पांच बोले तो तीन प्लस दो तीन दिन का तो एक रुपए है और दो अतिरिक्त दिन है यानी कि दो भाई कितना है इक्कीस रुपए। समीकरण नंबर दो अब इन दोनों को हल कीजिए हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा देखो x का गुण पहले से ही समान दिख रहा है फिर विधि लगा दो समीकरण एक तथा दो तो से क्या है x प्लस चार वाई बराबर सत्ताईस और अगला है x प्लस के दो वाई बराबर इक्कीस एक्स के गुण समान है ये, भी प्लस का है ये भी प्लस का समान चिन्ह है नीचे वाला ही बदलता है प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस का कटा चार में से दो घटाएंगे दो वाई बचेगा सत्ताईस दो गुड़े में, बट्टे में इधर आके आ जाएगा, दो तो वाई का मान आ जाएगा तीन। प्लस दो वाई हमारा इक्कीस है वाई का मान रख देंगे दो तिया छह प्लस का छः इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का छः तो इक्कीस में छः घटाओ कितना हो जाएगा पंद्रह मतलब पहले तीन दिन का किराया तो पंद्रह रुपये है यानी कि एक दिन का किराया कितना पड़ रहा है पाँच रुपये उसके बाद अगर और ज़्यादा लेते हो तो फिर प्रतिदिन का तीन रुपये पड़ेगा थोड़ा किराया कम हो जाएगा ठीक है यानी कि जो नियत भाड़ा है वो पंद्रह रुपये है अतिरिक्त प्रतिदिन का कितना है तीन रुपए ये हमें हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा आगे होगा और इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में मैंने पूरी प्रश्नावली सिखा दी आपको सारे उदाहरण भी करा दिए और ये प्रश्नावली वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से बड़े नंबर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे चार या और छः नंबर में वीडियो को शेयर करें सब कुछ बढ़ा दिया है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर